आज मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर में बात करूंगा। ये मेरा बैकग्राउंड है। मैं मुख्तसर तकरीर में बात करूंगा और स्टार्ट करूंगा, डोंट कस द डार्कनेस लाइट ए कैंडल, अंधेरों को मत तू ना ठहराए रोशनियाँ फैलाएं। इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेस। ब्लेसिंग के लिए अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने कहा कि अनम को भेज दिया, मुझे भेज दिया, पंजाब गवर्नमेंट आपकी हैंड होल्डिंग के लिए खड़ी हुई है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बकायदे ऐसे इनिशिएटिव इनक्रेज किए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की हर दूसरी तीसरी स्पीच कामयाब नौजवान के लिए, और कल रात को वज़ीर ख़जाना ने अरबों रुपए के पैकेज का जिक्र किया कामयाब नौजवान, जो सिर्फ आपके लिए है। अगले 10 सालों में यूएन की एक रिपोर्ट आई है कि 10 करोड़ जॉब्स निकल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डाटा साइंसिस की, और 10 साल बाद लाहौर में ड्राइवरलेस कारें चल रही होंगी, 10 साल बाद लाहौर में फ्लाइंग टैक्सीज चल रही होंगी, 10 साल बाद आप सोचेंगे लाइब्रेरी से बुक ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके माइंड में और आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें इमेजिनरी हैं। जब मैं अमेरिका 1988 में गया तो एक टेलीफोन कॉल कर मिलाने के 2 दिन बाद कॉल मिलती थी अमेरिका, आप बैठे रहते थे टेलीफोन के पास, और मेरी तनख्वाह का 1/10 के बराबर था, 300 रुपये की कॉल होती थी जब मैं अमेरिका गया हूँ, और 1800 मेरी तनख्वाह थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं अमेरिका जाना कितना मुश्किल था, स्कॉलरशिप लेना, दाखिले लेने, लेकिन जिसके सामने बड़ी बड़ी मंजिलें हों उसके रास्ते की ठोकरें और मुसीबतें उसके आगे नीच हो जाती हैं, जेर हो जाती हैं, और कुदरत खुद बहुत करती है लाले की हिनाबंदी, कुदरत बहाने बनाती है नवाजने के लिए उस शख्स को, उस बच्चे को जो फैसला कर लेता है कि मैंने कुछ नया करना है। टेलीनॉर का एक इश्तहार आता था 5-6 साल पहले, कुछ नया कर, कुछ नया कर से मेरी मुराद क्या है कि अपने जोरे बाजू पे खुद खड़े। मैंने जब UET का स्कूल ऑफ बिजनेस बनाया और NUST का स्कूल ऑफ बिजनेस बनाया तो वाइस चांसलरशिप की ऑफर्स मेरे प्लेट में रख के आने लग गए। मेरे पास लम्स वाले आए, जी आप हमारे पास प्रोफेसर, मैंने कहा मैंने नौकरी करनी नहीं है, आज मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, आज मैं खाना खुद बना लेता हूँ, आज मैं चाय खुद बना लेता हूँ। 22वां ग्रेड छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मुख्तार कुल खुद होना है, उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, और प्राइस पे करने के लिए अल्लाह ताला जो एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी कुछ खास खवास हैं, उनके वसाइले औसाफ़ हमीदा हैं, वो क्या है उनको आज हम बात करेंगे। लेकिन शिबली फराज के वालिद साहब अहमद फराज साहब का बड़ा मशहूर शेर है कन्फ्यूशियस के स्टेटमेंट को, उन्होंने उर्दू में ट्रांसफ़र किया, उर्दू शायरी वली दकनी से लेके साउथ इंडिया से लेके पख्तून बेल्ट पे चली गई अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पिछले 500 सालों में, एंड थैंक्स टू अहमद फराज। वो कहते हैं शिकवा जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, अमेरिका की PhD, कैनेडा की सिटीजनशिप, प्रोफेसरियाँ, डीनशिप, डायरेक्टरशिप, मैं गिविंग एंड पे आने को तैयार हूँ, रखूँ मेरा रात को पूरी जाग के लाहौर आना आपके प्यार और मोहब्बत में, इस अमर का एक वाज़े सबूत है कि वी आर, हमारा ग्रुप तैयार है आपको, हम अमेरिकन और यूरोपियन PhDs प्रोफेसर्स का ग्रुप है जो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अपनी शामें देने के लिए तैयार हैं, अपने विकेट्स देने के लिए तैयार हैं, घरों में बुलाने के लिए तैयार हैं, और आपको बता सकते हैं कि क्या मसले पड़ेंगे, डोर पकड़नी कहाँ से है, डोर पकड़ना मसला होता है, गुच्छे में से गुंजल में से डोर निकालना, अब तो बैन हो गई है लाहौर में पतंगबाजी, जब हम छोटे थे तो पतंगबाजी एक सुपर रॉकेट फन था और सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट थी, वो एक्सबॉक्स था उस ज़माने का, और डोर को कनी दे के सुध करके उड़ाने का अपना ही स्वाद था, वो स्वाद ख़त्म हो गए आपकी जनरेशन, अब नए स्वाद आ गए हैं, हर अहद का तकाजा डिफरेंट होता है। मेरे दौर में नौकरी थी, जब मैं सरकारी नौकरी विस्तार में रेड में गया, जो हाँ मेरी गुर्बत शुरू हुई, उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैंने भीख नहीं मांगनी और मैंने अपने पाँव पर खुद खड़ा होना। तो मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि कम्फर्ट जोन से निकलें और इसमें जाएं जनाब चैलेंज जोन में, चैलेंज जोन में मिस्टर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाते हैं, मिस इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाती है चैलेंज जोन में, उसकी मैं वजाहत करूँगा। आगे चलें जी, स्टार्ट बीइंग द इम्पॉसिबल, वापस आइए, स्टार्ट बीइंग द इम्पॉसिबल एज पॉसिबल एंड यू विल बी सरप्राइज व्हाट ग्रेट यू कैन अचीव। जब मैं UET में आया तो इन्होंने कहा जी ये हमने स्कूल ऑफ बिजनेस बनने नहीं देना, पूरी यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, मुझे अमरीकी एजेंट बना दिया, मुझे VC ने थपकी दी, तू चल यार तेरे साथ चलते हैं, जनरल अल्लाह उनको मजीद हयात दे तरक्की दे, जनरल करम ने उन्होंने मुझे इनक्रेजमेंट दी, फ्री हैंड दिया, और लाहौर का बेस्ट स्कूल ऑफ बिजनेस 2-3 साल में मनसा शहूद पे आ गया था, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल समझना शुरू किया। लाल कुर्ती में NUST के एक कमरे से हमने स्कूल ऑफ बिजनेस शुरू किया जो आज H12 के एक पूरे सेक्टर पे फैला हुआ है इस्लामाबाद के, बिकॉज आई बिलीविंग पॉसिबल इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। आज के बाद पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल
कहें और कहें आई एम पॉसिबल। ये मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट है। आज के बाद मिस्टर पॉसिबल को कहने के लिए मिस्टर इम्पॉसिबल कहें आई एम पॉसिबल। ये इसकी तकरार करें, सुबह शाम इसको वर्बलाइज करें और आप देखें नामुमकिन मुमकिन होने लग जाए।